हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। मैं हूँ तारिक और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं, यूपीटीटी एग्ज़ाम की घोषणा हो गई है और ये जो आपका एग्ज़ाम है वह 25 जुलाई को होने जा रहा है। एक तरह से ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि ऐसे छात्र छात्राएँ जो कि बहुत टाइम से इस एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन आपका 18 मई से शुरू हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि जो यूपी सरकार ने सोमवार को यूपीटीईटी 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। यूपीटीईटी 2020, योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को यूपीटीईटी 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार यूपीटीईटी परीक्षा 25 जुलाई 2021 को प्रदेश भर में आयोजित करेगी। इसके लिए अभ्यर्थी 18 मई से 1 जून तक अपना अपना पंजीकरण करा सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि यह परीक्षा 25 जुलाई को होने जा रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, शिक्षक की बड़े पैमाने पर नियुक्ति के बाद अब सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को यूपीटीईटी 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार यूपीटीईटी परीक्षा 25 जुलाई 2021 को प्रदेश भर में आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2020 इस साल 25 जुलाई को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। जैसा आप सबको मालूम है कि सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक वो की प्राइमरी की परीक्षा होगी और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक अपर प्राइमरी की परीक्षाएं होंगी। और जो परीक्षा का रिजल्ट है वह 20 अगस्त को घोषित कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने यूपीटीईटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए सोमवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, यह बहुत खुशखबरी है कि अब यह एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आशा है कि आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर अब तक तैयारी आपने छोड़ दी है तो जल्द से जल्द तैयारी पर लग जाइए और मेहनत शुरू कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।